नमस्कार, वंदे मातरम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। पाकिस्तान के हुक्मरान वैसे तो दिमाग से पैदल हैं, लेकिन पाकिस्तान के संसद में कुछ सनकी सांसद भी मौजूद हैं। ऐसे ही एक पाकिस्तानी सांसद ने फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के प्रति हमदर्दी दिखाई और हमास को इजरायली हमलों से बचाने के लिए नियाजी खान से इसराइल पर एटम बम से हमले की मांग तक कर दी। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन के बहाने कश्मीर पर भी निशाना साधने की कोशिश की। हम अपने पाकिस्तान के फौज से भी पूछते हैं, आपका मोटो यह है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, आप क्यों आज इसराइल के खिलाफ ऐलान जिहाद नहीं करते? इसराइल पर पाकिस्तान का जिहाद, बिगड़ गया नियाजी का मौलाना बमबाज, और इस एटम बम को हम किसी अजायब घर में रख के हम ये कहेंगे कि फलां दौर में हमने एटमी कुव्वत हासिल की थी। आफत में जान खान का एटम प्लान कि अगर हम आखिरी कतरे तक लड़ेंगे तो वो कौन सी जंग होगी? वो जंग होगी जो कोई नहीं जीत सकता। चीर देगा इसराइल, फाड़ डालेगा हिंदुस्तान। कश्मीर पर नजर, फिलिस्तीन की जगह। भूखे प्यासे मरे रोज, मांगे एटम बम का डोज। हमारे पास एटम बम है, हम साथी कुव्वत है इस मुल्क के, इस मुल्कत के। पाव किलो का परमाणु, सवा किलो की धमकी। जिस किस्म का हमला होगा उस किस्म का मसाला इस्तेमाल करेंगे, पाव की जरूरत पड़ी पाव करेंगे। पाक कराएगा परमाणु युद्ध। दरअसल पाकिस्तान के सियासतदान के ख्वाब में आज भी हिंदुस्तानी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का खौफ पैदा करता है, और इजराइल उसी इंडियन स्टाइल में फिलिस्तीन आतंकियों पर हमला कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के संसद में एक मौलाना सांसद का दर्द जो है वो छलक पड़ा, और आतंकियों को बचाने के लिए उन्होंने परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली। इमरान का मौलाना सनक गया, इसराइल पर जोर से धमक गया। सिनेमा के हुक्मरान होने का दावा करते हैं, हम पूछते हैं उन्हें फौज से, हम अपने पाकिस्तान के फौज से भी पूछते हैं कि 7-8 लाख की तादाद में आप सिर्फ इसलिए हैं, आपका मोटो यह है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, आप क्यों आज इसराइल के खिलाफ ऐलान जिहाद नहीं करते? मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है, लाखों यहूदी और अरब मुल्क के लोगों की जान आफत में है, लगातार आसमान से बम, रॉकेट और मिसाइलें बरस रही हैं।
पूरी दुनिया इस तरकीब में लगी है कि किसी तरह से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में शांति स्थापित की जाए और इस जंग की आफत को समाप्त किया जाए। लेकिन आतंकियों को अपने आगोश में पालने वाले पाकिस्तान से जो सुर निकल रहे हैं वो पूरी दुनिया को आफत में डालने वाले हैं। इमरान का सनकी मौलाना परमाणु बम दागना चाहता है, एटम बम फोड़ना चाह रहा है। पाव पाव किलो का एटम बम लेकर हिंदुस्तान को गीदड़ भभकिया देने वाला पाकिस्तान अब इस्लाम का रहनुमा बनने लगा है, दुनिया के सभी मुसलमानों का हुक्मरान होने का दावा करने लगा है और फिलिस्तीन के हक में इसराइल पर परमाणु बम फोड़ने की धमकी दे रहा है। 4000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल हमारे पास मौजूद है, हमारे पास F-17 मौजूद है, हमारे पास एटम बम है, हम सातवीं कुव्वत है इस मुल्क के, इस मुल्कत के। जनाबे चेयरमैन साहब, ये एटमी कुव्वत कब काम आएगा? दस दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, गाजा पट्टी से लेकर तेल अवीव और यरूशलम तक आसमानी अटैक थम नहीं रहे। इसराइल के शहरों में जबरदस्त हिंसा चल रही है, यहूदी और अरब मूल के लोग आपस में भिड़े हुए हैं और पाकिस्तान इस आग में पेट्रोल डाल रहा है। मुसलमानों को भड़काने के लिए फिलिस्तीन के साथ खड़े रहने का झूठा दावा कर रहा है। इसराइल का इंडियन स्टाइल, आतंकियों पर एयर स्ट्राइक। नेतन्याहू मोदी की स्टाइल में हमास के आतंकियों पर अपने फाइटर जेट से बम गिरा रहे हैं। प्लान है आतंकियों का समूल नाश, और जब 4000 किलोमीटर दूर हिंदुस्तानी स्टाइल में आतंकियों पर एयर स्ट्राइक होता है तो पाकिस्तानियों की रूह कांप जाती है, उनके पेट में दर्द होने लगता है और फिर पाकिस्तान की संसद में इसराइल के खिलाफ जिहाद छेड़ने और फिलिस्तीन के साथ कश्मीर को भी आजाद करने के लिए एटमी शक्ति का इस्तेमाल करने की बातें होने लगती है। ये मिसाइल हम खिलौने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को दिखा देंगे, या इन मिसाइलों को और इस एटम बम को हम किसी अजायब घर में रख के हम ये कहेंगे कि फलां दौर में हमने एटमी कुव्वत हासिल की थी। बहुत अफसोस की बात है जनाब स्पीकर, अगर आप कश्मीर को आजाद करना चाहते हैं, अगर आप कश्मीरियों के साथ मदद करना चाहते हैं, अगर आप फलस्तीन को आजाद करना चाहते हैं, अगर आप फलस्तीनियों के साथ मदद करना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है, वकातिलु फी सबीलिल्लाह, वकातिलु फी सबीलिल्लाह, ला सबीलना इल्ला बिल जिहाद। जिहाद के अलावा, इन लोगों के साथ लड़ने के अलावा, इनका मुकाबला करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जंग की इस तस्वीर में पाकिस्तान को मौका दिख रहा है, पाकिस्तान के खलीफ तुर्की को इसमें मौका दिख रहा है। इमरान खान और रजब तैयब एर्दोवान इस युद्ध के बहाने दुनिया भर के मुसलमानों का नेता बनने की फिराक में है। इस्लामिक जिहाद इसके लिए वो आसान रास्ता है जिसके जरिए खान और एर्दोवान मुसलमानों को भड़का कर बाकी मजहब के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। इमरान को यह मौका इसलिए भी चाहिए क्योंकि कंगाली के दौर में गुजर रहे पाकिस्तान में इमरान की हुकूमत नाकाबिल साबित हो रही है और अब इसराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में फिलिस्तीन की मदद की अपील करके पाकिस्तान इस्लामिक देशों की सहानुभूति और सहायता हासिल करने की फिराक में है
और उसी की वानगी है मौलाना की ये एटमी धमकी। मुस्लिम के हुक्मरान होने का दावा करते हैं, हम पूछते हैं उन्हें फौज से, हम अपने पाकिस्तान के फौज से भी पूछते हैं कि 7-8 लाख की तादाद में आप सिर्फ इसलिए हैं, आपका मोटो यह है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, आप क्यों आज इसराइल के खिलाफ ऐलान जिहाद नहीं करते। और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से मिल रही है, जहां ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के 42 मरीजों की जानकारी मिली है। इनमें से 2 की मौत हो गई है, जबकि 1 मरीज को डिस्चार्ज किया जा चुका है। 26 मरीजों की सर्जरी की गई है। उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 42 मरीजों में से 2 की मौत हुई है, वहीं 26 मरीजों की सर्जरी की गई है। न सिर्फ मौलाना चित्राली बल्कि पाकिस्तान में ऐसे कई बतौलेबाज हैं जो गीदड़ भपकी देने से सुपरस्टार खुद को समझते हैं। पाकिस्तान में कुछ हो ना हो, लेकिन बतौलेबाजों की ऐसी फौज तैयार है जो वक्त बेवक्त बातों के बम छोड़ते रहते हैं। ये अलग बात है कि वो बम जब फूटते हैं तो हंसी के ठहाकों से ज्यादा कुछ नहीं निकलता। अब कहां इसराइल और कहां पाकिस्तान, अब जाने भी दुनिया। इसराइल पर एटम बम छोड़ना तो छोड़िए, उसके खिलाफ एक गोली भी नहीं चला सकते आप। फिलिस्तीन पर बमबारी देख लो पाकिस्तान, फिलिस्तीन की तबाही देख लो इमरान। फिलिस्तीन पर बरसती मिसाइल देख लो मौलाना। हमास के आतंकियों की उखड़ती सांसें देख लो चित्राली। वाकई बड़ी हिम्मत का काम है, इसराइल की ताकत देखकर भी पाकिस्तान का मौलाना चित्राली परमाणु बम की धमकी दे रहा है। शायद उसे अंदाजा नहीं कि नेतन्याहू ने अगर सुन लिया तो पाकिस्तान पर इतने बम बरसाएगा कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। अब ये मौलाना चित्राली का बड़बोलापन ही कहा जाएगा जो सुपर पावर इसराइल को धमका रहा है। हम हुकूमत पाकिस्तान से हम पूछना चाहते हैं कि हमने मिसाइल तैयार किए, 4000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल हमारे पास मौजूद है, हमारे पास F-17 मौजूद है, हमारे पास एटम बम है, हम 7वीं कुवत है इस मुल्क के, इस मुमलिकत के। जनाबे चेयरमैन साहब, ये एटमी कुवत कब काम आएगा? ये मिसाइल हम खिलौने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, आप बच्चों को दिखा देंगे। सुन लिया आपने कैसे एक बम इसराइल पर और एक बम भारत पर फोड़ने की बात कह रहा है इमरान का बमबाज मौलाना। हालांकि मौलाना चित्राली पाकिस्तान की नाटक मंडली में अकेला नहीं है जो इस तरह की लतीफे सुनाता हो, वहाँ फौज भरी पड़ी है। इस मामले में पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद बड़े वाले शेख चिल्ली है जो आए दिन इस तरह का मजाक करते रहते हैं। अब देखिए, जब भारत ने कश्मीर से 370 हटाई थी तो शेख रशीद उतावले हो उठे थे, भारत से बदला लेने का मन बना लिया था। उस वक्त जो बयान दिया था वो सुनिए, फिर हम उसका विश्लेषण करके आपको बताएंगे। सारी दुनिया को कहना चाहता हूँ कि हाँ, जिस किस्म का हमला होगा उस किस्म का मसाला इस्तेमाल करेंगे। पाव की जरूरत पड़ी पाव करेंगे, आधे किलो की पड़ी आधा किलो करेंगे, किलो की पड़ी तो किलो करेंगे। शेख रशीद ने दुनिया को यह भी बता दिया था कि पाकिस्तान के पास पाव पाव किलो के परमाणु बम है, यानी पाकिस्तान बम तोल तोल कर बनाता है। तो फिर शेख रशीद जैसे मंत्री दुनिया के सामने उसकी बोली लगाते हैं, यानी मजाक उड़वाते हैं। अब शेख रशीद का एक और किस्सा सुन लीजिए। वो कहते हैं कि अगर भारत में परमाणु बम छोड़ा गया तो मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा, यानी पाकिस्तान का परमाणु बम ये पहचान लेगा कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। अब शेख रशीद के इस ज्ञान पर क्या कहा जाए, सिर्फ इतना ही, इतने मजाकिया क्यों हो रशीद मियां? हिंदुस्तान
पाकिस्तान को अंदर से तबाह करना चाहता है, पाकिस्तान को सरहदों पे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रॉ जो है वो बलूचिस्तान में केजीबीबी में एजेके में ख़ास तौर पर और बलूचिस्तान में जिस तरह उसने मुख्तलिफ ग्रोहों को और अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ ग्रोहों को इकट्ठा किया है, वो पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाकया कर सकता है। शेख रशीद भारत को धमकाते हुए ये भी कह चुके हैं पाकिस्तान के पास वो परमाणु बम है जिसकी पहुंच असम तक है। इससे आगे सुन लीजिए, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग होती है तो ये खूनी और आखिरी जंग होगी। अब ऐसा युद्ध नहीं होगा कि 4-6 दिन तक टैंक तोपे चलेंगी, जबकि सीधे सीधे परमाणु जंग होगी। पाकिस्तान के पास 125 ग्राम और 250 ग्राम के परमाणु बम है जो किसी खास टारगेट पर मार सकते हैं। पाकिस्तान के पास पाव और आधा पाव के परमाणु बम भी हैं, जो किसी खास इलाके को निशाना बना सकते हैं। इतनी जंग होगी, हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पे और मुसलमानों की जानें बचाते हुए उन इलाकों को टारगेट करने वाला है। असम तक पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। शेख रशीद पाव किलो का लतीफा छोड़ते हैं तो उनके वजीर आजम 125 किलो को चुटकुला सुनाते हैं। इमरान का पाकिस्तान कंगाली के दर पर खड़ा है, वो उसे छुपाने के लिए भारत को धमकाते रहते हैं। सुनिए कैसे वो यूएन तक में भारत के खिलाफ परमाणु बम की धमकी दे आए थे। टू न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज वेलकम फेस टू फेस लाइक वी केम इन फेब्रुअरी एंड बिफोर वी हेड इन दैट डायरेक्शन द यूनाइटेड नेशंस हैज अ रिस्पांसिबिलिटी। इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि भारत हो या फिर इजराइल, अगर दोनों में से किसी भी टकराने की जरूरत की तो हालत खराब हो जाएगी। इमरान खान हो या शेख रशीद, इनको जवाब देना भारत को बखूबी आता है। ये बात अलग है, हम बतौले बाजों को मुंह नहीं लगाते। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया, ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? भारत से टकराने की हिम्मत तो पाकिस्तान तब दिखाएगा जब भारत के नाम से घबराना बंद कर देगा। देखिए कैसे परमाणु बम की धमकी देने वाले रेल मंत्री शेख रशीद को मोदी के नाम से झटका लग जाता है। तुम्हारा रस कष्ट ग्रंथ लगे खैर कष्ट ग्रंथ लगे खैर कष्ट ग्रंथ लगे खैर। ये अकेली तस्वीर नहीं है जब पाकिस्तान की पतलून गीली हुई थी। खुद पाकिस्तान के एक सांसद ने बताया था कैसे एयर स्ट्राइक के वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम से लेकर आर्मी चीफ तक के पैर कांप रहे थे। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा। अब बताइए, जो पाकिस्तान भारत के नाम से ही घबराता है वो परमाणु बम छोड़ने की धमकी देता है, भारत से पार नहीं पा सकता और चले हैं इजराइल में बम फोड़ने। पाकिस्तान को ये समझना होगा उसके जिहाद की सनक उसे बर्बाद कर देगी। इमरान को मौलाना चित्राली और शेख रशीद जैसे नेताओं को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए जो पाकिस्तान की बर्बादी का रास्ता तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाहकर भी पाव किलो के परमाणु बम से नहीं बच सकता, क्योंकि भारत और इजराइल दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का निशान मिटाकर ही दम लेंगे। फिलिस्तीन में बैठा हमास इजराइल पर बम बरसा रहा है। उस वक्त इस्लामिक देश कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है उस वक्त इस्लामिक देश मानवता की दुहाई देने लगते हैं। खासतौर से तुर्की और पाकिस्तान इस खेल को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की मंशा कुछ और ही।
फिलिस्तीन में बम फटता है तो पाकिस्तान चिल्लाता है। गाजा में बम फटता है तो कराहता तुर्की है। रामलाह में मिसाइल गिरती है तो तुर्की की चीख निकलती है। फिलिस्तीन में लाशें बिछती हैं तो एर्दोगन बेचैन हो उठता है। जालिम इसराइल, जालिम इसराइल, जालिम इसराइल। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग में जो कुछ हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा बेचैनी दो देशों को हो रही है, जिसमें एक तुर्की है और दूसरा पाकिस्तान। तुर्की के तानाशाह एर्दोगन फिलिस्तीन को बचाने के लिए इस्लामिक मुल्कों को एक होने की दुहाई मांग रहे हैं, वहीं पाकिस्तान फिलिस्तीन को बचाने के लिए परमाणु बम की धमकी दे रहा है। लेकिन इसराइल के लिए सर्वाइवल का सवाल है, इसलिए वो फिलिस्तीन को कुचल देना चाहता है, हमास जैसे आतंकी संगठन को खत्म कर देना चाहता है, क्योंकि हमास ने इतना ज्यादा बारूद फैला दिया है कि उसका इलाज जरूरी है। अब इस खेल को समझिए, क्योंकि इस्लामिक देशों को तुर्की और पाकिस्तान एकजुट करने में जुटे हैं। दरअसल तुर्की का तानाशाह खुद को खलीफा बनना चाहता है, इसलिए इसराइल फिलिस्तीन के मामले में अपनी टांग अड़ा रहा है, इसराइल के खिलाफ लगातार नफरत और जहर फैला रहा है। अब एर्दोगन के खेल में पाकिस्तान साथ दे रहा है। इमरान कई दफा एर्दोगन की तारीफ कर चुके हैं। फिलिस्तीन के मुद्दे पर बात करने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री तुर्की के दौरे पर है, यानी खेल बड़ा चल रहा है। एर्दोगन खुद को खलीफा मानने लगा है और पाकिस्तान खलीफा का गुलाम बन चुका है। दोनों मिलकर इस्लामिक मुल्कों को एक साथ खड़ा करना चाहते हैं, जिससे ऑटोमन साम्राज्य जैसा दौर दोबारा लाया जा सके। हमें बहुत दुख है कि दुनिया के कई देश फिलिस्तीन मामले पर चुप हैं। वो बेहद असंवेदनशील है, वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए खून खराबे पर भी खामोश है। अगर वो इसराइल द्वारा किए नरसंहार पर चुप हैं, तो ये उनका इसराइल को समर्थन जताता है। वक्त आ गया है सारे इस्लामिक देश इसराइल के खिलाफ साथ लड़े। Bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilmelidir. फिलिस्तीन को बचाने के लिए इस्लामिक देश मानवता की दुहाई देने लगे हैं। वो देश भी जो आतंक को जिहाद बताते रहे, खास तौर से इस वक्त तुर्की सारे इस्लामिक देशों का अगुआ बनने की कोशिश में है, और इसके पीछे है तुर्की का तानाशाह राजा तैयब एर्दोगन। वो वही पैतरा इसराइल और फिलिस्तीन के बीच अपना रहा है, जैसे अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच अपनाया था। मुस्लिम देशों के एर्दोगन ने यह दिखाया है कि जब जब कोई इस्लामिक देश संकट में आएगा तो सबसे पहले तुर्की आगे आएगा, और एर्दोगन ऐसा जहर उगलेगा जैसे उसने इस बार इसराइल को सबक सिखाने का ऐलान किया है। इसराइलिन फिलिस्तीन शहरलरिंदे सारी मानवता को एकजुट होकर इसराइल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, उसकी क्रूरता को सबक सिखाना चाहिए। फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है उस पर यूएन को एक्शन लेना चाहिए, शांति स्थापना की कोशिश करनी चाहिए। इसराइल के खिलाफ तुर्की सबसे पहले खड़ा है, वो उसे सबक सिखाकर रहेगा। Ve huzuru sağlayacak adımları atması şarttır. लेकिन एर्दोगन का खेल समझिए, ये वही एर्दोगन है जो इसराइल से दोस्ती गांठ रहा था, दो साल पहले इसराइल का दौरा भी किया था, नेतन्याहू से मिलकर कई डीलें भी की थी, अजरबैजान को तुर्की ने हथियार बेचे थे, वहीं इसराइल को भी ऐसा करने को कहा था। उधर पाकिस्तान का खेल समझिए, ये वही पाकिस्तान है जो अमेरिका से दोस्ती गांठता रहा है। इमरान पाकिस्तान की मदद के लिए ट्रंप के पैरों में गिर पड़े थे, पाकिस्तान अमेरिका से हथियार खरीदता रहा है। पाकिस्तान लाख चाहकर भी अमेरिका के खिलाफ नहीं हो सकता, जबकि अमेरिका फिलिस्तीन मुद्दे पर इसराइल के साथ है। अमेरिका इसराइल की दोस्ती जग जाहिर है, इस्लामिक मुल्कों को ये दोस्ती बहुत खटकती है। यानी साफ है कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों अलग अलग अपना हित साध रहे हैं और दिखावे के लिए इस्लामिक मुल्कों को एकजुट करने का राग अलाप रहे हैं। जो एर्दोगन इसराइल के साथ गलबहियां कर रहा था वो फिलिपीन के मुद्दे पर पलट गया और इस्लामिक देशों को एकजुट करने के नए खेल में जुट गया। वहीं जो पाकिस्तान अमेरिका की पिछलग्गू बना घूमता है, वो अचानक से अमेरिका के दोस्त इसराइल के खिलाफ जहर उगलने लगा।
दरअसल एर्दोगन खलीफा बनने के ख्वाहिश में ये सब कुछ करा रहा है और पाकिस्तान खलीफा का गुलाम, जबकि पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्लैक फंगस से जुड़ी खबर मिल रही है। ब्लैक फंगस के कहर से जुड़ी यह खबर हरियाणा से मिल रही है, जहां सिरसा में ब्लैक फंगस से 5 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 2 दिन में सिरसा में ब्लैक फंगस से 5 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ में ब्लैक फंगस से आज 4 और मरीजों ने दम तोड़ा है। उत्तराखंड की बात कर ले तो यहाँ ऋषिकेश एम्स में 2 की जान गई है, यानी ब्लैक फंगस अब धीरे धीरे जो है वो कहर बरपाने लगा है। ऋषिकेश एम्स में 2 की जान गई तो आज लखनऊ में 4 मरीजों ने, ब्लैक फंगस के मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं हरियाणा से भी खबर आई है, यहाँ भी ब्लैक फंगस के मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। धीरे धीरे तमाम राज्यों से इस तरह की खबर आ रही है, जहाँ ब्लैक फंगस अपना कहर बरपा रहा है। अकेला पाकिस्तान नहीं है जो फिलिस्तीनी आतंकियों के साथ खड़ा है, बल्कि इस्लामिक मुल्कों में ऐसे कई देश हैं जो हमास की पूरी मदद करते हैं, उन्हें रॉकेट्स, मिसाइलें, हथियार मुहैया कराते हैं। और दुनिया को यह डर है कि कहीं इस्लामिक जिहाद की राह पर यह सनकी मुल्क हमास को प्रयोग करने के लिए परमाणु बम ना दे। इस्लामिक जिहाद का एस्टिमेट प्लान, न्यूक्लियर ब्लास्ट से दुनिया का सत्यानाश। तुर्की और पाकिस्तान के साथ साथ ईरान की ऐसी ही कुछ मंशा है। पाकिस्तान बार बार परमाणु हमले की धमकी देता है और ईरान प्रतिबंध होने के बावजूद परमाणु बम बनाने के लिए आमादा है। वही ईरान जो चुपके से फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास को हथियार मुहैया कराता है। हमास पर जारी है इजराइल का हमला, कहीं इस्लामिक देश न करा दे विश्व युद्ध। डर यही है कि इजराइल अपने घर में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए हमास को रोकने की कोशिश में जुटा है और दूसरी तरफ हमास भी धर्म युद्ध को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल को पता है कि हमास उसके इन हमलों को लंबे वक्त तक झेलने की क्षमता रखता है और फिलिस्तीन को पता है कि अगर इजराइल लगातार हमले करता रहा तो उसके पास बचने का कोई और ठिकाना नहीं है। यही वजह है जो दुनिया के लिए टेंशन की वजह है। इस्लामिक जिहाद की सनक, कहीं सुनाई ना दे परमाणु बम की धमक। कहीं ये जंग परमाणु ब्लास्ट की ओर ना चली जाए, क्योंकि जिस तरह से हमास को इस्लामिक देशों को सपोर्ट हासिल है और जिस तरह से ईरान, कतर और सीरिया से हमास को न सिर्फ हथियारों की सप्लाई मिलती है बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी भी बेची गई है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाजा पट्टी दरअसल ईरान की वो प्रयोगशाला है जहां से वो इजराइल पर अपने हथियारों का इस्तेमाल करके अमेरिका के सामने अपनी ताकत को परखने की कोशिश में लगा है। हथियार बेचने की ईरानी रणनीति, गाजा प्रयोगशाला हमास है मोहरा। इजराइल के पास एयरफोर्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है, हथियार चलाने वाले ड्रोन है और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए मोसाद जैसी दुनिया की जानी मानी एजेंसी है। यानी इजराइल इतना ताकतवर है कि जब चाहे गाजा पट्टी पर कब्जा कर सकता है, हमास जैसे आतंकी संगठन को जड़ से मिटा सकता है। एक तरफ पाकिस्तान के मौलाना सांसद की सनक है परमाणु युद्ध कराने की, तो दूसरी तरफ
पाकिस्तान के एक जाहिल मौलवी की ऐसी सनक है कि वो लोगों को कोरोना से मरवाने का पूरा प्लान बना रखा है। ऐसा नुस्खा बता रहे हैं जिससे कबूतरों की मौत तो निश्चित है, अपने बचने का भी ठिकाना नहीं। तीन कबूतरों की झिल्ली निकाल के, कोटे की झिल्ली निकाल के किसी चीज में डालकर उसको पकाएं या वैसे भी इसमें रखते हैं, उसका पानी पिया जाए, कोई कोरोना वायरस वगैरह नहीं। मौलवी का कबूतर खाता है कोरोना। ये जो कबूतर है ये अल्लाह की हाथ करता है। मौलवी का कबूतर मारता है कोरोना। कोई कोरोना वायरस वगैरह नहीं, सब कोरोना वायरस खत्म। कबूतर खाओगे कोरोना फ्री हो जाओगे। जिन लोगों को शुगर है वो भी इस्तेमाल करें, उनकी शुगर की नहीं थी। ये पाकिस्तान के वो मौलवी हैं जो कोरोना को मारने का शर्तिया इलाज बता रहे हैं। दुनिया जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करके कोरोना से मुकाबला कर रही है और इस मुकाबले में हर दूसरे तीसरे महीने कोरोना का एक नया रूप तैयार होता जा रहा है। कोरोना का एक और खतरनाक वेरिएंट तैयार होता जा रहा है और पाकिस्तान के मौलवी के लिए कोरोना कुछ भी नहीं है क्योंकि अल्लाह ने इस मौलवी के कान में इलाज का फॉर्मूला फूंक दिया है। कोरोना वायरस का जो इलाज है वो भी आज 7 दिन हो गए मेरे इस दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने डाल दिया है। यहाँ जो कोरोना वायरस का जो इलाज है परफेक्ट परफेक्ट ऊपर अल्लाह की दस्तार लगी हुई है। परफेक्ट जो उसका इलाज है, क्या इलाज है? ये जो कबूतर है, कबूतर देखा है कमली वाले के रोजे पर भी कबूतर है, दाता साहब के हजूर में भी कबूतर है, मैयदीन अजमेरी के दरबार पर भी कबूतर है, सहेली सरकार चले जाए वहां भी कबूतर मौजूद है। ये जो कबूतर है ये अल्लाह की हमद करता है। मौलवी के कानों में अल्लाह ने जो तरकीब सुझाई है वो कबूतरों से आई है और ये कबूतर कोरोना खा जाते हैं। ये कबूतर हैं जो कोरोना को मार देते हैं। मौलवी के दावे में कुछ ऐसा ही है। इस पाकिस्तानी मौलवी की बातें आप आगे सुने, उससे पहले हम आपको ताकीद कर दें कि ऐसी दकियानूसी बातों पर यकीन बिल्कुल मत करिए, नहीं तो कबूतर तो मरेगा ही और मौलवी का अल्लाह ही मालिक है। तीन कबूतर कोरोना छू मंतर, खाओ कबूतर उड़ाओ कोरोना। ये जो कबूतर है ये अल्लाह की हमद करता है, अल्लाह अल्लाह करता है। इसका जो पोटा है, पोटा जिसके अंदर ये दाने खाता है ये इसका पोटा, पोटे के अंदर से वो जो उसकी बिठी होती है, वो जो गुजा वगैरह होती है वो बाहर निकाले, उसके अंदर एक चिल्ली सी होती है, छोटी ब्रिक सी चिल्ली होती है। वो तीन कबूतरों की झिल्ली निकाल के, पोटे की झिल्ली निकाल के किसी चीज में डालकर उसको पकाएं या वैसे भी इसमें रखते हैं, उसका पानी पिया जाए, कोई कोरोना वायरस वगैरह नहीं, सब कोरोना वायरस खत्म। उस झिल्ली के अंदर है, कोई अगर ये कहता है कि ये गलत है मैं उसको ये बात नोट करवाता हूँ, कबूतर जो चीज भी मतलब अपनी चूंच में लेता है, अपने इल्लत से नीचे करता है, वो जहरीली हो या उसके अंदर जो कुछ भी हो, पोटा उसको हजम कर देता है, उसका मैदा हजम कर देता है। इतना ही नहीं, मौलवी के मुताबिक अल्लाह का बताया ये नुस्खा न सिर्फ कोरोना बल्कि शुगर यानी डायबिटीज की बीमारी को भी दूर कर देगा। और हाँ, मौलाना के पास इसकी साइंटिफिक वजह भी है। कोरोना ही नहीं शुगर भी खाएगा कबूतर। कोई अगर ये कहता है कि ये गलत है मैं उसको ये बात नोट करवाता हूँ, कबूतर जो चीज भी मतलब अपनी चूंच में लेता है, अपने इल्लत से नीचे करता है, वो जहरीली हो या उसके अंदर जो कुछ भी हो, पोटा उसको आजम कर देता है, उसका मैदा आजम कर देता है। इसी तरीके से आजम करने के लिए वही 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 झिल्ली है, वही झिल्ली है। वो झिल्ली जो है पोटे के अंदर वो कोरोना वायरस के लिए भी नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं जिन लोगों को शुगर है वो भी इस्तेमाल करें, उनकी शुगर भी नहीं रहेगी। जी हिंदुस्तान आपको ताकीद करना चाहता है कि बीमारियों को लेकर ऐसे मौलाना, ऐसे धर्म के ठेकेदारों की ऐसी दकियानूसी बातों पर जरा भी यकीन ना करें।
ये अपनी दुकान चमकाने के लिए जो मुंह में आए वो बकेंगे। लेकिन आपको पता है कि बीमारी का इलाज किसके पास मिलता है, किसको आपकी मर्ज को ठीक करना आता है? और वंदे मातरम में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ज़ी हिंदुस्तान।